Find the value or values of k for which the pair of linear equations kx plus y is equal to k square and x plus ky is equal to 1 have infinitely many solutions. इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या करना है, हमें फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज. वैल्यू मीन्स सिंगल वैल्यू, और वैल्यू के आगे अगर एस लग जाए तो मोर देन वन वैल्यू. के की फाइंड करनी है, हो सकता है वन वैल्यू हो सकता है मोर देन वन वैल्यू हो. ये हम सॉल्व करके देखेंगे. फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसके लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मीन्स देयर आर टू इक्वेशन, पेयर में हमेशा टू लीनियर इक्वेशंस होंगी. वो इक्वेशन कौन सी दी है? इक्वेशन वन दी है हमें के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के स्क्वेयर, इक्वेशन वन. और सेकेंड इक्वेशन दी है एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू वन, जिसे हमने इक्वेशन टू कंसीडर कर लिया. और साथ में हमें कहा है कि इन इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है. इक्वेशंस है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन. अब बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म क्या होती है? क्योंकि ये पेयर ऑफ इक्वेशंस है तो इसमें टू इक्वेशंस होंगी. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स टू होंगी. फर्स्ट इक्वेशन की जनरल फॉर्म रहेगी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो. और सेकेंड इक्वेशन की जनरल फॉर्म होगी ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो. और इसमें एक बात का ध्यान रखना बेटा, जो कॉन्स्टेंट टर्म है इसमें सी वन और सी टू, दोनों इक्वेशन की कॉन्स्टेंट टर्म या तो लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए इज इक्वल टू की, या दोनों की कॉन्स्टेंट टर्म सी वन और सी टू राइट हैंड साइड में होनी चाहिए. अगर एक की लेफ्ट में है एक की राइट में है तो दोनों को हमें एक साइड शिफ्ट करना होगा. ओके अब फॉर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कंडीशन क्या होती है बेटा, ध्यान से समझना. कंडीशन रहती है ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू. ये कंडीशन रहेगी फॉर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस. ओके तो ये कंडीशन हमारी रहेगी. अब इस कंडीशन को यूज करके हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले बेटा हमें ये ऑब्जर्व करना होगा इसकी कॉन्स्टेंट टर्म को. क्या दोनों इक्वेशन की कॉन्स्टेंट टर्म एक तरफ है? दोनों इक्वेशन की कॉन्स्टेंट टर्म या तो एल एच एस में होनी चाहिए या दोनों इक्वेशन की कॉन्स्टेंट टर्म आर एच एस में होनी चाहिए. तो इसमें ऑलरेडी दोनों इक्वेशन की कॉन्स्टेंट टर्म सी वन और सी टू आर एच एस में है, तो हम इसमें आगे प्रोसीड कर सकते हैं. तो अब इस कंडीशन को यूज करके हम बेटा वैल्यू फाइंड करेंगे के की. कैसे? ध्यान से समझना बच्चे. अब ए वन क्या है? के है जो x का कोफिशिएंट इन इक्वेशन वन. ए टू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन टू. अब x के आगे कुछ नहीं है इक्वेशन टू में तो हम वन मान सकते हैं, कुछ नहीं हो तो k अपॉन वन. बी वन कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन वन. अब इक्वेशन वन में y के आगे कुछ नहीं है तो यहां पर वन आ जाएगा. बी टू कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन टू जो कि k है. सी वन कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन वन विच इज के स्क्वेयर. और सी टू कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन टू विच इज वन. अब बेटा हमें k की वैल्यू निकालनी है. अब k की वैल्यू कैसे फाइंड होगी ये ध्यान से समझना बच्चे. k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले इन दोनों को इक्वेट करना होगा, इन दोनों इक्वेशंस को देखो बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करके. फिर पहले हम इसको एक सॉल्व करते हैं. k इंटू के, के स्क्वेयर हो जाएगा k मल्टीप्लाई के, और 1 मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू वन होगा. फाइन अब k स्क्वेयर इज इक्वल टू वन है और अगर हमें k की वैल्यू चाहिए तो दिस इंप्लाइज डैट k इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 1. और साथ में बेटा इसमें जब भी स्क्वेयर रूट लेते हैं हम यहाँ पर प्लस माइनस 1 स्क्वेयर रूट ऑफ प्लस माइनस 1 लेते हैं स्क्वेयर रूट के साथ. ओके तो इस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 क्या होगा? प्लस माइनस 1. और ये प्लस माइनस 1 क्यों लेते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा, क्योंकि जब हम कहते हैं कि के स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 है तो ये एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है के स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. अब मैं के स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 में के के साथ माइनस 1 ले लूं, प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? के स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इसको ऐसे लिख सकते हैं. और अब 1 किसका स्क्वेयर है? 1 का ही.
तो वन स्क्वायर हो जाएगा। ये किस फॉर्म में हो गया बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, यानी कि के प्लस वन मल्टीप्लाई के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो डालो तो के की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, देखो के इज इक्वल टू प्लस वन जीरो के साथ जाके माइनस वन हो जाएगा, और अगर हम के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो डालते हैं तो के की वैल्यू माइनस वन जीरो के साथ जाके प्लस वन हो जाएगा, यानी कि के की वैल्यू माइनस प्लस वन आएगी, प्लस माइनस वन आएगी। तो इसलिए हम जब भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं और स्क्वेयर रूट लेके तो हम प्लस माइनस वन इसलिए डालते हैं, इसका रीजन यही है बेटा। तो अब हम करते हैं, के की वैल्यू प्लस माइनस वन आ गई, लेकिन क्या दोनों ही के की वैल्यू प्लस माइनस वन रहेगी या माइनस वन को हम निगलेक्ट करेंगे, इसको हम चेक करते हैं। इसके लिए बेटा आपको क्या करना होगा, आपको अब वन अपॉन के इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन वन से भी इसकी वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि हमने तीनों चीज़ें प्रूव है होनी चाहिए, तीनों चीज़ें इसमें आनी चाहिए कि ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू भी है ना कंडीशन, तो इन दोनों को लेके भी हम चेक करेंगे। तो वन अपॉन के इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन वन, अब मैंने बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू को लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई के इंटू के स्क्वायर क्या होगा बेटा, के क्यूब, के की पावर थ्री हो जाएगी, और वन मल्टीप्लाई वन वन, ओके बेटा। अब अगर इधर के क्यूब है और हमें के की वैल्यू निकालनी है तो हम क्यूबिक रूट ऑफ वन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, क्यूबिक रूट ऑफ वन, यहाँ पर क्यूबिक रूट का साइन ये होता है, और के इज इक्वल टू क्या होगा, क्यूबिक रूट ऑफ वन इज वन, के की वैल्यू वन हो गई। अब इसमें से बेटा कॉमन वैल्यू देखे दोनों की के की, तो पॉजिटिव वन है इसलिए हम के इज इक्वल टू माइनस वन को निगलेक्ट कर देंगे, तो इसे आप इक्वेशन थ्री कह लो और इसे इक्वेशन फोर मान लो। फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर के की वैल्यू क्या होगी बेटा, वन हो जाएगी, और के इज इक्वल टू माइनस वन को हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि हम इसमें से कॉमन वैल्यू ले लेंगे। तो लेकिन बेटा इसका के इज इक्वल टू माइनस वन को निगलेक्ट करने का एक रीज़न और भी है, अगर मैं बेटा के इज इक्वल टू माइनस वन लेता हूँ तो देखो बेटा ए वन अपॉन ए टू क्या होगा, के को माइनस वन लेने पे के अपॉन वन है ए वन अपॉन ए टू, यानी कि माइनस वन अपॉन वन हो जाएगा। बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, बी वन अपॉन बी टू वन अपॉन के था, यानी कि वन अपॉन माइनस वन हो जाएगा, और सी वन अपॉन सी टू क्या होगा, देखो बच्चे के स्क्वायर के केस में तो माइनस वन का स्क्वायर, के की जगह माइनस वन ले लेंगे, अगर के को माइनस वन कंसीडर करते हैं तो माइनस वन ही लेंगे ना, तो माइनस वन का स्क्वायर, और सी वन अपॉन सी टू हमारा माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, माइनस वन इंटू माइनस वन, तो पॉजिटिव वन हो जाएगा। तो इसमें देखो बेटा ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू आ रहा है बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू आ रहा है, देखो इधर माइनस वन अपॉन वन है, इधर वन अपॉन माइनस वन है, ये दोनों तो इक्वल हो गए लेकिन इधर ये पॉजिटिव वन अपॉन वन आ रहा है, तो यानी कि ये कंडीशन इन्फिनाइट कंडीशन, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही के को माइनस वन लेने पे, तो इसलिए बेटा हम के को माइनस वन नहीं लेंगे। सो फाइनली के की वैल्यू क्या रहेगी, के इज इक्वल टू हमारा वन होगा, के इज इक्वल टू वन।